नमस्कार दोस्तों, रसिया और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। माना जा रहा है ये वर्ल्ड वॉर 3 के रूप में तब्दील हो जाएगी। आखिर जिसका अंदेशा था वही हुआ। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। हालात लगातार बिगड़ती जा रही थी कि तभी रसिया ने 23 फरवरी को यूक्रेन की राजधानी कीवी समेत कई अन्य सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी और ये युद्ध के रूप में तब्दील हो गया। आइए देखते हैं ये युद्ध हो क्यों रहा है। यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है, जिसका रसिया विरोध कर रहा है। नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सहित 30 देशों का समूह है। अगर नाटो के किसी सदस्य पर कोई अटैक करता है तो यह अटैक अमेरिका पर माना जाएगा और इस युद्ध में नाटो के सभी सदस्य देश भाग लेंगे। चूंकि रशिया अपने आसपास के क्षेत्रों में अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है, इसलिए वह नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने जिसमें अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो। रसिया ने ये जंग अचानक से शुरू नहीं की है। पहली बार 10 नवंबर 2021 से ही रसिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पर सैनिक तैनात कर दी थी। 28 नवंबर 2021 तक आते आते क्लियर हो गया था कि रसिया ने करीब 1,00,000 सैनिक यूक्रेन की सीमाओं पर तैनात कर दिए हैं। दिसंबर 2021 को यूएस की इंटेलिजेंस के अनुसार माना जा रहा था मिड जनवरी और अर्ली फरवरी में ही रसिया यूक्रेन पर आक्रमण कर देगा। तब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बयान दिया था कि अगर रसिया यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी के अनुसार रसिया यूक्रेन पर 16 फरवरी को आक्रमण करने वाला था, लेकिन 16 फरवरी आई और आक्रमण नहीं हुआ। और खबर फैलती है कि रसिया ने यूक्रेन की बॉर्डर से अपने सैनिक को वापस बुला लिया, जो कि फेक खबर थी। एक्सपर्ट का मानना है कि चाइना ने रसिया पर दबाव डाला कि वो बीजिंग ओलंपिक तक रुके, क्योंकि चाइना नहीं चाहता था कि बीजिंग ओलंपिक में कोई डिस्टरबेंस हो जिससे चाइना की इमेज खराब हो। यह बात तब सामने आती है जब 20 फरवरी को बीजिंग ओलंपिक समाप्त होता है और उसके अगले दिन 21 फरवरी को राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र डोनेस्क और लुहांस को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसके बाद 23 फरवरी आते आते रसिया ने यूक्रेन की राजधानी कीवी समेत कई अन्य जगहों पर अटैक कर दिया और दोनों देशों के बीच में जंग छिड़ गई। यहां तक कि यूक्रेन में नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी गई है और यूक्रेन के नागरिकों को देश छोड़ने में प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूक्रेन की जनता को युद्ध में शामिल किया जा रहा है और जनता को हथियार रखने की अनुमति दे दी गई है।